मी स्मिती कांद्रेकर, VKB न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. बुलेटिनला सुरुवात करण्याआधी नजर टाकूया हेडलाईन्सवर. पिता पुत्राने केली एअरफोर्स रिटायर्ड व्यक्तीची हत्या, हत्येने हादरला इंदोरा परिसर. विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली, 10वीचा निकाल जाहीर, विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या परिसरात व्यक्त केला आनंद. आणि शिव्या देऊन रील बनवणाऱ्यावर कारवाई, इंस्टाग्रामवर शिव्या देऊन बनवल्या रील. भर दिवसा वकील पिता व पुत्राने एअरफोर्स रिटायर्ड व्यक्तीची हत्या केल्याने इंदोरा परिसर हादरला आहे. मृतकाच्या मुलीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक केली आहे. अद्याप हत्येचं कारण स्पष्ट झालं नसून पोलीस तपास करीत आहे. झरीपटका पोलीस ठाणे हद्दीतील हुडको कॉलनी बापूना वाईन शॉपच्या मागे भर दिवसा एका एअरफोर्स रिटायर्ड व्यक्तीची हत्या झाल्याने इंदोरा परिसरात खळबळ उडाली. आरोपी व मृतक काही वर्षापूर्वी एकाच परिसरात राहत असून शेजारी होते आणि आरोपी वकील असल्याने त्यांनी मृतकाच्या एका केसमध्ये त्याला न्याय मिळवून दिला होता. आरोपी पिता अश्विन वासनिक, वकील व मुलगा आविष्कार अश्विन वासनिक असे आरोपींचे नाव असून मृतक हरीश दिवाकर कराडे हे मृतक आहे. सोनाली हरीश कराडे हिच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक केली आहे. नेमकं हत्येमागचं कारण काय आहे याचा शोध अद्याप लागला नसून पोलीस तपास करीत आहे. आज 3:30 में पोलीस ठाणे को खबर मिली थी. उसी वक्त हमारे पोलीस पथक और PSI मारुती जंगलवार स्पॉट पर गए. स्पॉट पर तुरंत गए तो वहां पर उनको दो आरोपी और जो मयत वो उधर मिले थे. आरोपी को ताबे में लिया, आगे की प्रोसीजर करके हमने गुना दाखिल किया है. उसमें ये मयत और आरोपी इनके पुराने जान पहचान वाले हैं. किस वजह से ये मर्डर हुआ है ये इसकी जानकारी अभी हम ढूंढ रहे हैं. तपास चालू है इसमें. ये आरोपी जो है मोटा इंदुरा बौद्धविहार के सामने में गली में उनका रहने का घर है. इनके घर पे ये हादसा हुआ था और ये जो मयत है वो पहले इनके एरिया में रहने के लिए था, पुराने जान पहचान वाला था और इनका एक केस भी इन्होंने चलाया था और ये उनको न्याय दिया था. यही जो मयत और इनका कुछ जो झगड़ा हुआ था, क्या झगड़ा हुआ था, किस वजह से हुआ था, वो अभी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है, बाद में जानकारी दी जाएगी. दोनों भी आरोपी बाप बेटे है, दोनों में हिरासत में अटक कर लिया है उनको. इसे इन्फॉर्मेशन मिली वैसे हमारे पुलिस पथक वहां पर गया, तुरंत उनको ताबे में लिया था. राज्य शिक्षण मंडळाच्या मार्च 2024 मध्ये झालेल्या 10वीच्या परीक्षेचा निकाल आज जाहीर झाला, त्यामुळे राज्यातील 9 लाखासह नागपूर विभागातील 1.5 लाख विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली. नागपूर विभागाच्या 10वीच्या निकालात मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा 2.23% वाढ झाली आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या परिसरात एकत्रित येत आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे मार्चमध्ये घेण्यात आलेल्या 10वी परीक्षेचा निकाल आज जाहीर झाला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर पास झालेल्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या परिसरात एकत्र येत आनंद व्यक्त केला. नागपुरातील रामदासपेठ सोमलवार शाळेतील पास झालेल्या विद्यार्थ्यांनी एकमेकांना मिठाई भरवीत फुगडी खेळत आनंद व्यक्त केला. जिल्हानिहाय निकाल गोंदिया 96.11, भंडारा 95.11, गडचिरोली 94.67, नागपूर 95.17, चंद्रपूर 94.5 तर वर्धा 92.2 असा निकाल लागलेला आहे. 12वीप्रमाणे 10वीतही गोंदिया जिल्हा विभागामध्ये 96.11% अव्वल ठरला. यावेळेला विद्यार्थ्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे. दिव्या मधुकर आंबिलडुके, 97.4% आहे मला. मला पुढे NDA करायचं आहे. NDA थ्रू मला एअरफोर्स जॉईन करायचं आहे. श्रेय कोणाला देईल? श्रेय मी थोडं स्वतःला देईल आणि थोडं माझ्या आईला देईल आणि माझ्या बाबांना देईल, कारण त्यांचा पण माझ्या यशामध्ये फार मोठा वाटा आहे. माझी मेहनत नक्कीच लागली आहे त्याच्यात. मी नसती तर कोणीच काहीच नसतं शक्य, पण त्यात माझ्या यशामध्ये माझ्या आईबाबांचा पण तेवढाच वाटा आहे असं मला वाटतं. माझं नाव पियुष सावरकर आहे. मी सोमलवार रामदास पेठमध्ये आहे. मला बोर्डामध्ये 97.6% मिळाले. मी माझं श्रेय माझ्या आईबाबांना व माझ्या शिक्षकांना देतो. त्यांच्या चांगल्या शिकवणीमुळेच मी एवढे पर्सेंट मिळू शकलो. आता मला पुढे JEE साठी तयारी चालू आहे माझी. इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये मला जायचं आहे. थँक्यू.
फेमस होण्यासाठी सोशल मीडियावर शिव्या देऊन व्हिडिओ बनवणाऱ्या मुला मुलींवर सायबर सेल नजर रोखून बसला आहे. नागपुरातील पाचपावली परिसरातील एका मुलावर पोलिसांनी कारवाई केली. शिव्या देऊन व्हिडिओ बनवणार नाही आणि केलेल्या कृत्यासाठी त्यांनी माफी मागितली आहे. मेरा नाम वैभव पराटे, मैं गाली वाली वीडियो बना करता हूँ तो सबको माफ़ी मांगता हूँ. नागपुर पुलिस, नागपुर के लोगों से आजकल ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा कभी मैं ज़िंदगी में. सॉरी भाई लोग, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं. जो गलती हो माफ़ कर दो, अगली बार से वीडियो नहीं बनाऊंगा ऐसे में. बराबर है, साइबर के संबंधित साइबर ब्रांच अलर्ट रहे, अलर्ट मोड में रहता है. ऐसा कुछ गलत कुछ हो रहा है इंस्टाग्राम या साइबर क्राइम के बारे में, साइबर क्राइम पूरा ध्यान निगरानी रखती है. माननीय पुलिस आयुक्त साहब इनके निर्देश की तरफ से साइबर क्राइम अपना काम करता है. उनको भी ध्यान में आया कि पाचपाली एरिया में रहने वाला तांडापेट का वैभव परत है, वो इंस्टाग्राम में कुछ गाली गलौज का वीडियो अपलोड करके वो बहुत ही फॉलोअर्स मिला रहा, फेमस हो रहा है. इस पद्धत का जो गुना वो रील्स चेक की है हमने, वीडियो चेक करिए, उसमें बहुत गलत काम चल रहा है. माननीय वरिष्ठ के निर्देश से क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 के PSI देवगत ने उन्होंने FIR किया. साहब ऐसे से गलत काम चल रहा है तो हम FIR दाखिल करके उसको ताबे में लिए, उसका मोबाइल वगैरह जब्त कर लिए और उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई किया जाएगा. अपने को ये समाज में ये मैसेज देना है कि ये जो गलत काम करने वाले हैं, गलत करने तो साइबर क्राइम अलर्ट है, हर तरह से इसको जी समाज में फालतूगिरी फैलाने वाले, गाली गलौज समझो और बाकी गलत फहमी फैलाने वाले, उनके ऊपर वाच रख के हमको कायदेशीर कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं. हमारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों का इस पर ध्यान है. ये जो गलत काम करेंगे जिस जुरिडिक्शन में है वो साइबर क्राइम और यूनिट वाले ध्यान देके वो हमारे ध्यान में लाके देंगे, हम उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे. आता घेऊ एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेकनंतर पुन्हा आपलं स्वागत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या जन्मदिनानिमित्त रक्तदान शिबिराचे आयोजन नागपुरात करण्यात आले. या वेळेस रिचार्ज युनिक क्लिनिकच्या संचालिका डॉक्टर रिचा जैन यांनी रक्तदान शिबिराबद्दल माहिती दिली. आज आदरणीय हमारे मंत्री साहब नितीन जी गडकरी जी के लिए हमने अपनी क्लिनिक में एक भव्य ब्लड डोनेशन कैंप रखा है. मैं ये मानती हूँ कि हम सब डोनेट केवल कुछ कुछ कर सकते हैं उनके सामने, पर ये सबसे बड़ा डोनेशन होगा कि आज हमारी दोनों बेटियां, हमारा परिवार, हमारे सारे स्टाफ और हमारे सारे फैमिली मेंबर्स और हमारे सारे पहचानने वाले दोस्त भाई और दीदी जी के घर करता आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन करेंगे. मैं ये मानती हूँ कि ये गडकरी जी के लिए हमारी तरफ से सबसे बड़ी गिफ्ट होगी. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. नागपुरातील इंदोरा येथे भीमचोक नवयुवक संघटन, भीमचोक मित्र परिवार व आश्रय ज्वेलर्स यांच्या संयुक्त विद्यमानाने तथागत भगवान बुद्ध जयंती महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध समाज प्रबोधनकार संभाजी भगत यांच्या उपस्थितीत हजारो श्रोतागण उपस्थित होते. अभी प्रोग्राम खत्म हो गया और बहुत आश्चर्य लगा की नागपुर के इतने लोग इतने बड़े तादाद में आए और कार्यक्रम तो दो घंटे का हो गया फिर भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं. ये बहुत नया एक्सपीरियंस मेरे लिए है और इतनी दर्दी लोग और इतने अच्छे लोग यहाँ सुनने वाले हैं तो बहुत खुशी हुई. खास करके खांडेकर साहब जो है, इन्होंने ये जो जमा मतलब ये ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत खांडेकर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बम्बई से बुलाया और बहुत प्यार किया और इतना अच्छा ऑडियंस उन्होंने उपलब्ध करके दिया तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ. नागपुर के इंदोरा के सारे जो मेरे भाई और मेरे बहने हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और नागपुर का मैं शुक्रगुजार हूँ. क्या संदेश दिया सर अपने गाने के हिसाब से? देखिए, बाबा साहब की जो संविधान है वो अब खतरे में है, उसके लिए मैं गांव-गांव जा रहा हूँ और घर घर जाके संविधान का जो प्रचार है वो हमारे तरफ से कर रहे हैं हम. तो ये जो संविधान बचाने का जो अभियान है, ये अभियान को हमको आगे लेके जाना चाहिए. 4 तारीख को ये देश में कौन सा पक्ष चुनाव में जीतेगा वो मालूम हो जाएगा, कौन सा भी पार्टी आ जाएगा, फिर भी संविधान के ऊपर जो आँच चाहिए वो बहुत खतरनाक आँच है और वो जाने वाली नहीं है. क्योंकि यह संविधान विरोधी लोग जो है, मनुवादी लोग जो है, ये RSS के लोग जो है, ये नीचे तक गए हैं, ये जहर नीचे तक गया है. तो ये जहर को अगर निकालना है तो संविधान की जो मूल्य व्यवस्था है वो घर घर में गाँव गाँव में लेके जानी चाहिए और उसका मैं एक सैनिक हूँ, बाबा साहब का सैनिक हूँ. मैं राजेंद्र आश्रय, डायरेक्टर आश्रय ज्वेलर्स भीमचौक नारोड़ नागपुर. आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है
और नवयुग भीम चौक नवयुग संगठन और भीम चौक मित्र मंडल, इनके सहयोग से जो कार्यक्रम हुआ है तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ है और सभी लोगों ने इसका बहुत बड़े आनंद लिया। मैं तो युवाओं के लिए एक ही बात करूंगा कि ख्वाब देखो और ख्वाब सच करने के लिए अपने को सबसे बड़ी मेहनत करना जरूरी है, और अगर अपने पास अपने मराठी बोलते जास्त मराठी मी तो नवयुग संघांना किंवा नवयुग मित्र मंडळींना एकच सांगेल की स्वप्न बघा आणि स्वप्न साकार करण्याकरता एक वाटचाल करण्याकरता तुम्हाला मेहनत करणं फार जरुरीचं आहे, आणि जर भगवंताची कृपा वरिष्ठ माणसाचा जर आशीर्वाद आणि तुमची जर मेहनत असली तर ते स्वप्न नेहमी साकार होतात। पाचपावली व जरीपटका ठाण्याच्या हद्दीतील कुख्यात गुंड सौरभ सुधीर वासनिक 25 वर्ष राहणार कुल्हाडकर पेठ लष्करी बाग पाचपावली याला पुण्याच्या एरवाडा मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचा आदेश पारित करण्यात आला आहे। कुख्यात गुंड सौरभ विरुद्ध दरोडा घालण्यासाठी एकत्रितेने शस्त्राने दुखापत करणे, मालमत्तेचे नुकसान करणे, दंगा करणे, अश्लील शिवीगाळ करणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे असे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत। बरोबर आहे, उसके पिछले 7-8 साल से बहुत गुन्हे हैं, दरोड़ा डालना, हारमैक्स के, लूट मार के, एक्सटोरेशन, ऐसे गुन्हे हैं। उसको इसके पहले भी एमपीडी किए थे तो भी सुधरा नहीं, बाद में 110 भी कार्रवाई की है छुटके आने के बाद। उसके बाद में भी और दो गुन्हे हैं, एक जरीपटका में भी पाचपाली में है, मारामारी का गुन्हा है, हारमैक्स है, दरोड़ा डालने की तैयारी है, ऐसे गुन्हे हैं, वो सुधरने की कोशिश ही नहीं है उसका। इसलिए परसों के दिन उसको वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में उसके ऊपर जो लीगली कायदेशीर प्रोसीजर करके उसको 25 तारीख के नाइट में उसको एमपीडी के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त, सह आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त उनके मार्गदर्शन में कायदेशीर कार्रवाई करके उसको एमपीडी अंतर्गत 1 साल के लिए सेंट्रल जेल भेजा गया। चंद्रपूर जिल्ह्यातील वेकोलीच्या खाणीतून मोठ्या प्रमाणात कोळशाची तस्करी होत आहे। शिवनिजाम कोळशाची ट्रकमधून रोडच्या लगत जमा करून तसेच खाणीत धुमाकूळ जोमाने सुरूच आहे। येत्या अनेक महिन्यापासून अवैधरित्या सर्रास खाणीतून काटाबाबू व अन्य सेटिंग करून दररोज 1 ते 2 ट्रक कोळसा खाणीतून काढल्या जात आहे। यामध्ये LCB व राजुरा पोलीस निरीक्षक यांनी तत्काळ लक्ष द्यावे अशी मागणी अमन अंधेवार मनसे अध्यक्ष चंद्रपूर यांनी केली आहे। चिरीमिरी घेत असल्याने हा सर्व प्रकार अनेक महिन्यापासून या वाघोबा साखरी वरोरा व राजुरा मार्गावर काही टोल डेपो थाटात मांडून बसलेले आहेत। या कोळसा माफियामुळे गुन्हेगारी फोपावत आहे। गुंडागर्दी झगडे फसाद या दोन्ही मार्गावर बघायला मिळते। या कोळसा माफियांचे अवैधरित्या चालणारे अवैध धंदे बंद करण्यात यावे। जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष अमन धंदेवार मनसे कामगार सेना जिल्हा चंद्रपूर यांनी केली आहे। या मार्गावर वेकोळीचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे असे देखील अमन धंदेवार म्हणाले। जय महाराष्ट्र। राजुरा क्षेत्र में आने वाले कोल माइंस जो सास्ती गौरी साखरी पौनी जैसे गांव से जुड़े, यहां काफी भारी पैमाने पे अवैध कोयले की तस्करी की जा रही है। इसमें कोल माफिया, शिव और निजाम और कई अन्य लोगों का समावेश है। इन अवैध धंधों के कारण WCL के कर्मचारी 24 मई से सोहेल खान ऑन ड्यूटी से लापता है। अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया, फिर भी कोल माफियाओं का भारी पैमाने पे कोयला तस्करी चालू है। महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना जिला अध्यक्ष अमन अंधेवार आपसे निवेदन करता है, पुलिस प्रशासन से निवेदन करता है कि जल्द से जल्द ये काम बंद कराया जाए, वरना मनसे स्टाइल में मैं ये सब काम बंद करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पिता पुत्राने केली एयरफोर्स रिटायर्ड व्यक्तीची हत्या, हत्येने हादरला इंदोरा परिसर। विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली, 10वीचा निकाल जाहीर, विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या परिसरात व्यक्त केला आनंद। आणि शिव्या देऊन रील बनवणाऱ्यावर कारवाई, इंस्टाग्राम वर शिव्या देऊन बनवल्या रील। तुर्तास इथेच थांबूया, बघत राहा VKB न्यूज, नमस्कार।